हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी वीर में। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मसाने की गर्मी को कैसे दूर किया जाए, मसाने की गर्मी क्यों पैदा होती है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और मसाने की गर्मी से हमको किस किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं मसाने की गर्मी आखिर पैदा क्यों होती है। तो गाइस देखिए, जब हम कोई भी तेलीय चीज़ खाते हैं या फिर कोई गर्मी की चीज़ें खाते हैं जिनसे हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी सबसे पहले हमारे पेट के अंदर होती है। हमारे पेट की अगर गर्मी बढ़ती है तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे यूरिन ब्लेडर, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। अगर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है तो फिर उसे हम मसाने की गर्मी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं पेट के अंदर अगर गर्मी पैदा होती है तो फिर देखिए आपकी त्वचा पर जलन, फुंसियों का होना, कीलों का होना, एलर्जी का होना, चकते होना, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आपको पैदा हो सकती हैं। उसके बाद ये गर्मी धीरे धीरे ब्लेडर के अंदर चली जाती है और ब्लेडर के अंदर जाने से फिर आपको ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, जब ये मसाने के अंदर पहुंच जाती है गर्मी, तो फिर आपका वीर्य पतला होने लग जाता है, आपको स्वप्नदोष की बीमारी होने लग जाती है, आपको चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है, आपका वीर्य के अंदर स्पर्म काउंट की संख्या कम हो जाती है, आपका यूरिन जो ब्लड होता है वो पीला आना शुरू हो जाता है। तो गाइस, मसाने की गर्मी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गाइस, जब आप सेक्स करने जाते हैं तो गाइस आपका बहुत ही जल्दी निकल जाता है पानी। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप लंबे समय तक बिस्तर पर टिक नहीं पाते हैं, आपके लिंग के अंदर वो तनाव आना खत्म हो जाता है। गाइस, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए गाइस, इस चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें, मसाने की गर्मी को हमेशा शांत रखें, ठंडा रखें। तो गाइस, इसके लिए एक उपाय लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय है और ये उपाय मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ मैं। गाइस, आपको क्या करना है, शतावर चूर्ण लेकर आना है, बहुत ही सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। कॉस्ट इसकी 160 रुपये होता है, 160 रुपये 100 ग्राम का, पतंजलि का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। गाइस, आपको करना क्या है, शाम के टाइम जब खाना खाने के बाद आप सोने जाओ तो सोने से आधा घंटा पहले आपको दूध गर्म करना है और दूध गर्म करते टाइम उसके अंदर एक चम्मच शतावर चूर्ण मिला देना है और उसको पका लेना है। जब आप इसको मिलाओगे ना तो दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, खीर की तरह। तो आप इसको चम्मच से भी खा सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दूध गर्म कर लें, उसके बाद इसको मिला के फिर दूध को ठंडा होने तक रुक जाए। गर्म दूध कभी ना पिए, इससे आपकी गर्मी और बढ़ सकती है। तो गाइस, जब दूध ठंडा हो जाए तब आप उसको पी लें और सो जाए। गाइस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 100 ग्राम ही अगर आप खा लेंगे ना, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये, लगभग लगभग महीना या 15-20 दिनों के अंदर। गाइस, आपको बहुत ही आराम होगा और इसकी वजह से गाइस आपको स्वप्नदोष होना ठीक हो जाएगा। आपका वीर्य अगर पतला हो गया है तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। गाइस, आपके लिंग के अंदर तनाव की कमी आ गई है तो आपका लिंग वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, तनाव आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेक्स लाइफ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो गाइस, मसाने की गर्मी को कभी भी इग्नोर ना करें, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।